हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा में, और मेरा नाम है मनीषा। आज की वीडियो में मैं तीन चीज़ें आपको जो है डिटेल में बताऊंगी कि जब आपका सीजेरियन होता है उससे पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, क्या क्या होता है आपके साथ, और जब आप ऑपरेशन थिएटर में सीजेरियन करवाने जाते हैं अंदर आपके साथ क्या क्या होता है, प्लस जब आपका सीजेरियन हो जाता है उसके बाद आपके साथ जो है क्या क्या होता है। सो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहली चीज़, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अगर तो आपके पेट पे किसी भी तरह के बाल हैं तो उसको जो है क्लीन कर दिया जाता है। अगर आपका जो सीजेरियन है पहले से ही डिसाइडेड है तो आपको घर से हेयर क्लीन करने को बोल दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर इमरजेंसी में आपका सीजेरियन हो रहा है तो फिर आपको जो है उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट नर्सिस आपके पेट के बालों को साफ करती है। उसके बाद आपके पेट पे एंटीसेप्टिक जो है लगाया जाता है। आफ्टर दैट आपके जो वजाइना है उसमें जो है एक यूरिन बैग लगाया जाता है। यहाँ पे जो है मैं आपको एक पिक के ज़रिए समझाती हूँ। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं एक पाइप जो है, यहाँ पे मैंने मेल फ़ोटो ली है क्योंकि मुझे फीमेल फ़ोटो मिल नहीं रही थी। सो फीमेल के जो वजाइना में है इस तरह की जो फ़ोटो में दिख रही है, एक पाइप को इंसर्ट किया जाता है जिसे यूरिन कैथर बोलते हैं। उसको जो है एक यूरिन बैग के साथ अटैच किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आपका सीजेरियन हो जाता है आपकी लोअर बॉडी बिल्कुल सुन्न होती है और आप जो है किसी भी तरह से यूरिन पास करने में सक्षम नहीं होते, उठने में सक्षम नहीं होते, जिसकी वजह से आपको इनफैक्ट पता भी नहीं लगता कि आप यूरिन पास कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जो है आपका यूरिन निकलता रहता है और वो बैग में जो है कलेक्ट होता रहता है। तीसरी बहुत ही खास चीज़, जिन भी लेडीज़ का सीजेरियन होना होता है उनको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि वो कुछ भी खाए पिए ना। अब बारी आती है आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की। उससे पहले क्या करते हैं डॉक्टर कि आपने अगर कोई भी एक्सेसरी पहनी है, कोई भी ज्वेलरी पहनी है, जो भी आपके बॉडी पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब उतरवा ली जाती है। और हॉस्पिटल की तरफ से ऑपरेशन के लिए स्पेशली जो उनकी तरफ से डिसाइडेड गाउन्स होते हैं वो आपको पहना दिए जाते हैं। अब जैसे ही एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है वहाँ पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती है। वहाँ पे डॉक्टर्स जो है दो चीज़ें रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। फर्स्ट जो है आपका बीपी और सेकंड जो है आपका हार्ट रेट। इसके बाद जो है आपके हाथ पे इस जगह पे सुई लगा दी जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो आपकी जब ऑपरेशन हो जाए उसके बाद जो है आपको ड्रिप द्वारा जो भी लिक्विड प्रोवाइड करना है वो ड्रिप द्वारा ही लिक्विड प्रोवाइड किया जाता है। सो अब इसके बाद बारी आती है आपके ऑपरेशन की। ऑपरेशन के लिए सबसे पहले जो है एक डॉक्टर आता है जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होता है, जो आपको जो है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, जिससे क्या होता है तुरंत ही कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनटों के बाद आपका जो लोअर बॉडी है पेट से लेके नीचे का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से सुन हो जाता है और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। मगर आपका जो पेट से ऊपर का हिस्सा होता है वो सारा एज इट इज ही होता है और आप बेहोश भी नहीं होती। आपको जो भी थिएटर में चल रहा होता है आपको सब दिखाई देता है, सब समझ आता है। सो जैसे ही एनेस्थीसिया का असर आपकी बॉडी में हो जाता है सो दो अलग डॉक्टर होते हैं जो आपका सीजेरियन करते हैं। फिर अब उन दोनों डॉक्टर्स की बारी आती है। उस दौरान जब दो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, एनेस्थीसिया वाला जो डॉक्टर है जिसने आपको इंजेक्शन दिया है एनेस्थीसिया का, वो भी ऑपरेशन थिएटर में ही रहता है, ठीक है। वो भी आप पे नज़र बनाए रखता है कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। उसके बाद दोनों डॉक्टर जो है सबसे पहले आपके पेट के ऊपर कट लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक में दिखाती हूँ कि आपके किस जगह पर कट लगता है, आप देख सकते हैं। सो इसको जो है बिकनी कट बोला जाता है। आजकल इस तरह का कट चल रहा है, यूजुअली पहले जो है इस तरह से वर्टिकल कट भी चलता था बट आजकल जो है मोस्टली हॉरिजॉन्टल कट चलता है। और ये जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो आपका पेट का नीचे का हिस्सा थोड़ा कवर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है कि आप होश में तो होती है, आपको सब समझ तो आ रहा होता है, पर आपको नीचे वाला आपका कुछ भी दिख नहीं रहा होता। अब जब डॉक्टर आपके पेट पे कट लगाते हैं उसके बाद जो है आपके पेट की मांसपेशियों को इस तरह से डॉक्टर्स जो है खोलते हैं, ये आपको पता लग जाएगा कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं।
उसके बाद जैसे ही उन्हें आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय जिसमें बच्चा है वो दिखाई देता है, उस पे डॉक्टर जो है कट लगा देते हैं। यूट्रस पे कट लगाते ही उन्हें जो है बेबी दिख जाता है और वो जो है डॉक्टर बेबी को बाहर निकाल देते हैं। फिर बेबी को बाहर निकाल के सबसे पहले उसके नाक मुंह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उसके बाद जो गर्भनाल है जिससे आपका बेबी आपके साथ अटैच है उसको कट करके बेबी को जो है नर्स को दे दिया जाता है। इस बीच क्या होता है कि आपके बेबी का चेकअप किया जाता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी हार्ट रेट, वेट और उसकी क्लीनिंग सब की जाती है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपके स्टिचेस का जो है काम करना शुरू कर देते हैं डॉक्टर। सो इसमें जब आपके स्टिचेस लगते हैं तो हो सकता है गर्भाशय पे, यूट्रस पे डॉक्टर समटाइम्स दो बार स्टिचेस करते हैं। जब आपका ये ऑपरेशन हो रहा होता है उस दौरान आप पे कड़ी नज़र रखी जाती है। हो सकता है उस दौरान जो ऑपरेशन थिएटर में जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है उनमें से कोई पर्सन आपके साथ बातें करता रहे, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेता रहे। वो इसलिए किया जाता है ताकि वो चेक करते हैं कि आप पूरी तरह होश में हैं और कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। जब आपके पेट पे कट लगता है उसके तुरंत बाद ही फ्यू मिनट्स में जो है बेबी बाहर निकल जाता है और ज़रा भी टाइम नहीं लगता, जबकि स्टिचेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को 30-45 मिनट्स तक लग जाते हैं। अब ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद, क्योंकि आपके जो है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो डॉक्टर वहीं थिएटर पे ही, ऑपरेशन थिएटर में ही आपके पैड वगैरह लगा के आपके क्लोथ्स चेंज करके आपको जो है वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कपकपी छिड़े, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाए। सो डॉक्टर जो भी हैं आपको जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं आपके, तो उस दौरान आपको प्रॉपरली कंबल में लपेट के शिफ्ट किया जाता है ताकि आपको गर्माहट मिलती रहे। अब जैसे ही आपका ऑपरेशन हो जाता है, आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाती है, उसी दौरान उसके तुरंत बाद ही आपको जो है डॉक्टर ड्रिप लगा देते हैं और आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है कि आप जो है जब तक डॉक्टर अलाउ ना करें आपको पानी की बूंद तक नहीं पीनी और कुछ खाना भी नहीं है। सो ये यूजली डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कब आपको खाना पीना अलाउ करते हैं। हो सकता है आपको नेक्स्ट डे अलाउ किया जाए खाने के लिए, और उसमें आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि क्या खाना है क्या पीना है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जब आपका सुन का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है तब आपको फील होने लग जाएगा कि आपसे जो है उठने में, बैठने में, करवट लेने में थोड़ी थोड़ी आपको ना दिक्कत होने लग जाएगी और आपको जो है बिना सहारे के आपसे ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर आपको किसी चीज़ को पकड़ के आप उठ सकती हैं, करवट ले सकती हैं, या फिर कोई पर्सन आपको सपोर्ट दे, अपना सहारा दे, तभी आप जो है कोई एक्टिविटी कर पा सकती हैं। अब क्योंकि आपके यूरिन बैग लगा हुआ होता है तो जो भी आपको यूरिन आ रहा होता है वो ऑटोमेटिकली बैग में जाता रहता है और उस यूरिन बैग को नर्स जो है टाइम टू टाइम खाली करती रहती है। अब ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो आपका यूरिन बैग कब उतारते हैं और कब आपको खाना पीना अलाउ करते हैं। जनरली नेक्स्ट डे तक जो है डॉक्टर आपको खाना पीना अलाउ कर देते हैं, और खाने पीने में आपको ऑपरेशन के नेक्स्ट डे आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड डाइट पे रहना है, सॉलिड डाइट अभी आपको स्टार्ट नहीं करनी है। यानी कि आपको जो है लिक्विड दलिया हो गया, लिक्विड खिचड़ी होगी, पानी हो गया, सो इस तरह की चीज़ें ही आप ले सकते हैं, सॉलिड फूड अभी आपको अलाउड नहीं करते। उसके बाद जो है मोस्टली नेक्स्ट डे तक आपका जो यूरिन बैग है वो भी उतरवा दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप चले फिरे, आप खुद जो है यूरिन पास करने जाएं। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अगर थोड़ा बहुत चलना शुरू करेंगे तो ये आपके स्टिचेस को हील करने में काफ़ी मदद करेगा। आप ये मत सोचें कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं बैठी रहूं। आई नो आपको दिक्कत होगी चलने फिरने में, बट आप किसी का सहारा लेके आप कुछ कुछ कदम चलना फिरने शुरू करेंगे तो वो आपके स्टिचेस को जल्दी रिकवर करने में बेस्ट चीज़ होगी। सो नेक्स्ट डे ही, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही आपको जो है जो ऑपरेशन वाले दिन ड्रिप लगी होती है वो कंटिन्यू ही रहती है, बट उसके साथ आपके कुछ मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, प्लस आपको इंजेक्शन देने शुरू हो जाते हैं।
इसके साथ आपके जो है एच भी तो नहीं कम हो गया, बीपी स्टेबल है या नहीं, ये चीज़ें भी रेगुलरली जो है नर्स आके आपकी चेक करती रहती हैं। सो यही प्रोसीजर जो है नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू होता है, मगर यहाँ पे आपको डॉक्टर आपकी डाइट थोड़ी सी चेंज करने को बोल सकते हैं। अब वो सेमी सॉलिड थोड़ा सा बोल सकते हैं, चपाती खाने को बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या अलाउ कर रहे हैं। सो ये जो भी आपने चीज़ें खानी है अपने डॉक्टर की मर्जी से ही खानी है। मोस्टली जिनका सिजेरियन होता है डॉक्टर्स जो है उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखते हैं, उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, तो आपको जो है छुट्टी दे दी जाती है। सो दैट्स इट, ये था ऑपरेशन थिएटर के अंदर का जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है।